गरजते वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, ना ये गरजेगा ना ये परसेगा, ये सिर्फ फूकेगा। पहले तो मैं प्रशांत धवन जी की बहुत तारीफ करना चाहूंगी कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि बहुत कम वक्त में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। सॉरी चाइना जो है वो पाकिस्तान को फ्रीगेट भी दे रहा है, वो डिफेंस सिस्टम भी देता है और वो अटैक के लिए भी हथियार भी देता है। चलो पैसे लेता है लेकिन देता है, क्योंकि दूसरे किसी कंट्री से खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। इसी चीज पे आज की वीडियो है। Any attack on China is an attack on Pakistan. Pakistan takes big step to keep China happy. तो चाइना को खुश करने के लिए भाई साहब ने स्टेटमेंट दी है। तो देखते हैं इसको मिक्स मैसेज रिएक्शन। आपको मिक्स रिएक्शन अगर देखने मजा आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो वीडियो लिंक और रिएक्ट से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। प्रशांत धवन, नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी है। बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में, मैं कहूंगा। इन्होंने ये कह दिया है कि कोई भी अटैक अगर होता है चाइना के इंटरेस्ट पे तो पाकिस्तान मानेगा कि ये पाकिस्तान पे अटैक हो रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये CGTN ने इसको ऐसे कवर किया है बाय द वे कि एनी अटैक ऑन चाइना इज एन अटैक ऑन पाकिस्तान। हालांकि जो पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स हैं वहां पर इन्होंने जो ये इंटरेस्ट वर्ड है ये ऐड कर दिया है कि एनी अटैक ऑन चाइनास इंटरेस्ट इज एन अटैक ऑन पाकिस्तान। जो मैं फिर भी कहूंगा ये भी अपने आप में बहुत ही एक बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि चाइना के इंटरेस्ट को तो बहुत सी चीज़ें हर्ट करती है। फॉर एग्जांपल इंडो पैसिफिक चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है। चाइना कॉन्स्टेंटली कह चुका है कि इंडो पैसिफिक एक स्ट्रैटेजी है क्वाड की, जिससे ये चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। तो क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब इंडो पैसिफिक के अगेंस्ट भी है? US जो कर चुका है इन द पास्ट ट्रेड वॉर को लेकर, क्या ये लोग उसके अगेंस्ट भी है? तो स्टेटमेंट तो देखिए ये बहुत ज़रा कॉन्ट्रोवर्शियल है, मगर पाकिस्तान को आज के समय ऐसी स्टेटमेंट्स देनी होंगी बिकॉज दे नीड चाइना। इनको पता है कि आने वाले समय में जो मुश्किलें पाकिस्तान के सामने आएंगी उससे चाइना ही इनको बचा सकता है। और पाकिस्तान ने रिसेंटली सिर्फ ये नहीं कहा कि चाइना पे अटैक मतलब हम पे अटैक, इन्होंने ये भी यहाँ पर ऐड कर दिया कि जो भी चाइनीज नेशनल्स होंगे इन पाकिस्तान, स्पेशली जो बड़े इंस्टीट्यूट्स में काम करेंगे, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए ये लोग 100-200 आर्मर्ड व्हीकल्स परचेज करेंगे, उसी में चाइनीज नागरिक घुमा करेंगे। ये जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं इनका खर्चा पाकिस्तान की सरकार अपनी जेब से उठाएगी। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ये सब क्यों कर रहा है, व्हाट इट वांट्स फ्रॉम चाइना, क्या जेन्युइनली चाइना सेव कर सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन द कमिंग फ्यू इयर्स। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एंथनी अल्बनीसी ये रिसेंटली बने हैं किस कंट्री के नए प्रधानमंत्री? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सोलोमन आइलैंड्स या फिर आयरलैंड। बहुत ज्यादा न्यूज में है ये टॉपिक, कॉमेंट सेक्शन में क्या चल रहा है आपको आंसर करें। सही आंसर ना, मुझे यहाँ पर ये बात एडमिट करनी पड़ेगी कि जब पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आई, इनिशियली मुझे लग रहा था कि शायद US या फिर कोई और कंट्री कुछ रिएक्शन देगा, मगर देन आई रियलाइज पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस ग्लोबल स्टेज पर इतनी कम हो चुकी है कि अगर पाकिस्तान ऐसी बात करता भी है और इस बात को चाइना का सरकारी मीडिया CGTN कोड भी करता है अपने आर्टिकल में कि एनी अटैक ऑन चाइना इज एन अटैक ऑन पाकिस्तान, तब भी किसी को परवाह नहीं है, लाइक हु केयर्स। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान ये सब स्टेटमेंट्स इसलिए दे रहा है क्योंकि इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कॉन्स्टेंटली गिरते जा रहे हैं। जी हाँ, इंपोर्ट बैन करने के बाद भी हम देख रहे हैं एक रैपिड फॉल आ रहा है पाकिस्तान के टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। और काफी बार आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं इसके बारे में कहा जाता है कि जी $16 बिलियन के आसपास बचे हैं। देखो $16 बिलियन में से 6 बिलियन तो इनके जो बहुत सारे बैंक हैं वहां पर पड़े हैं, उनको एक्चुअली सरकार खुद का फॉरेक्स रिजर्व नहीं कह सकती। जो इनका जेन्युइन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये $10 बिलियन के आसपास बचा हुआ है। इसमें से भी बहुत सा पैसा इन्होंने लिटरली उधार का लिया है, कई बाहर के देशों ने पैसा पार्क कर रखा है इनके बैंक में। तो इवन आप अगर इस $10 बिलियन को देखो तो ये बस इतना पैसा है कि पाकिस्तान के जो इंपोर्ट्स हैं ये लोग 2 महीने तक संभाल पाए। दिस इज क्वाइट रिस्की। और जब भी ये टॉपिक मैं डिस्कस करता हूं कहीं भी, इमीडिएटली मेरा माइंड जाता है 1991 में। आई मीन यू हैव टू नो अबाउट दिस, 1991 में भारत के सामने एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा था, जिसके बारे में आपको पता होगा। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा कम रह गए थे, एक बार को $5 बिलियन के आसपास रह गए थे। और ये फोटो मुझे भूलती नहीं है 1991 की। यहाँ पर आप देख पाओगे उस वक्त के हमारे देश के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बैठे हैं IMF के MD के साथ। ये हैं माइकल कैमडेस। इन्होंने एक बार को भारत की हेल्प करने से मना कर दिया था, वर्ल्ड बैंक ने भी मना कर दिया था, फिर कैसे ना कैसे करके हमारे जो गोल्ड रिजर्व हैं उन्हें हमें यूज करना पड़ा। और बड़ी मुश्किल से आकर
जो ये 5 बिलियन का आंकड़ा है, यहाँ से विदेशी मुद्रा भंडार ग्रो कर करके आज के समय हम रफली 600 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व के आसपास बैठे हैं। और पाकिस्तान आप अगर सोच कर देखें तो जहाँ पे उस वक्त था 1991 में, आज भी यहीं पे है, क्योंकि जो ये 10 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व है इसमें से आराम से 5 से लेकर 6 बिलियन डॉलर उधारी के हैं। इनके एक्चुअल फॉरेक्स रिजर्व 2 से लेकर 4 बिलियन डॉलर के आसपास है, दैट दे एक्चुअली अर्न देमसेल्व्स। और आप अगर मुझसे पूछे कि इंडिया ने 1991 से लेकर आज 2022 तक इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कैसे करी, पाकिस्तान इतना पीछे कैसे रह गया, तो देखो इसके पीछे बहुत से रीज़न है, मगर यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा एक मेजर रीज़न ये है कि 1991 में ना हमारा पूरा देश बड़ी सिंसियरिटी से, बहुत ही सीरियसनेस से इस इशू को डील कर रहा था। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उस वक्त अपॉर्चुनिस्टिक कोई एक मूव नहीं चला कि चलो अब सरकार के खिलाफ कोई मोर्चा निकालते हैं, दिल्ली चलते हैं, यही टाइम है बस सरकार को खिलाफ। आप कह सकते हैं एज ए कंट्री वी वर रिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान में इसका अपोजिट हो रहा है। रिसेंटली इमरान खान ने ये कह दिया है कि मेरा जो कैंपेन है ये जिहाद है, ये पॉलिटिकल नहीं रहा, ये खुद बेसिकली ये पाकिस्तान के अंदर ही जिहाद कर रहे हैं। और मई 25 को ये एक लंबा मार्च करेंगे टू इस्लामाबाद, और ऑब्वियसली ये कैपिटल में अपने लोगों को लेकर बैठ जाएंगे, वहां पर हो हल्ला होगा। जो सरकार है जिसके पास ऑलरेडी बहुत कम पैसा है उनको और पैसा खर्चना पड़ेगा क्राउड को मैनेज करने के लिए। जो इन्वेस्टर्स हैं बाहर के वो पाकिस्तान को और ज्यादा डर से देखेंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंट्री है। और अनस्टेबिलिटी के साथ साथ पाकिस्तान में इस वक्त फेक न्यूज मिस इन्फॉर्मेशन रैम्पेंट है। इनके प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली एक ट्वीट करी कि देखो इंडिया ने रिसेंटली पेट्रोल के प्राइसेस कम कर दिए, जिस पर मैंने वीडियो बनाई थी कि 9.5 रुपए पेट्रोल के प्राइसेस कम कर दिए सरकार ने, और इसका एक बहुत ही बड़ा एक बोझ आएगा सरकार पे करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का। तो इमरान खान कहते हैं कि हम भी ये सब करना चाहते थे, इंडिया ये सब कर पाया है क्योंकि हमने रशिया से सस्ता तेल परचेज कर लिया है। दिस इज जस्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। हमने इतना तेल रशिया से कहीं से परचेज नहीं किया है कि उससे 1,00,000 करोड़ का रिलीफ दे पाए, ये मतलब जब एक कंट्री में मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज रैम्पेंट हो, कुछ भी कोई कुछ बोल दे चल जाती है बात, तो इवेंचुअली वो कंट्री सफर करेगी। इस वक्त नीड ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में इकट्ठा आकर डील करे इस सिचुएशन से, इंडिया से बात करे पीस की, ट्रेड वापस रीस्टार्ट करे, अपने टेरर ग्रुप्स को शट डाउन करे, उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बट जिस रास्ते पे अभी पाकिस्तान जा रहा है दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। मगर पाकिस्तान की सरकार को एक उम्मीद यहाँ पर यह है कि अगर चाइना टर्की को सीपैक में इंक्लूड कर देता है ना, तो इससे जो सीपैक के लोन्स का बोझ है पाकिस्तान पर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान के पीएम जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने चाइना को काफी बार ये गुहार लगाई है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो अभी के लिए 2 कंट्री प्रोजेक्ट है चाइना और पाकिस्तान का, इसको 3 कंट्री प्रोजेक्ट बना दो, टर्की को भी यहाँ पर ऐड कर दो। अब यहाँ पर टर्की को इससे क्या फायदा होगा और टर्की यहाँ पर ऐड होना क्यों चाहेगा? देखो रिसेंटली एक दशक में पहली बार हमने ये देखा कि पाकिस्तान ईरान टर्की के बीच में एक कार्गो ट्रेन चली थी। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट थी। मुझे याद है जब वर्ल्ड अफेयर्स इनिशियली स्टार्ट हुआ था चैनल, तो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इस ट्रेन का रूट। तो टर्की को आज के समय एक प्रॉपर लैंड एक्सेस मिल चुका है पाकिस्तान का, और डेफिनेटली ये लोग ये चाहेंगे कि सीपैक में इन्वेस्टमेंट करके ये लोग ग्वादर या फिर किसी और पोर्ट का और स्टेक हासिल कर ले, इससे टर्की को एक ज्यादा बड़ा एक्सेस मिल पाएगा इस रीजन का। बट चाइना ऑब्वियसली अभी के लिए टर्की की जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन है इसको रिजिस्ट कर रहा है। चाइना ऑब्वियसली यही चाहेगा कि पाकिस्तान धीरे धीरे डेट में और डूबता रहे और एक टाइम पे आकर पाकिस्तान चाइना की एक प्रॉपर इकोनॉमिक कॉलोनी बन जाए। मगर पाकिस्तान अपनी तरफ से आखिरी कुछ कोशिशें कर रहा है ये कहकर कि जी आप पे अटैक तो हम पे अटैक, आप सब कुछ हमारे लिए, आपके नागरिकों के लिए हम सब कुछ करेंगे। बट देखना यहाँ पर ये होगा कि ये सारे जो डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान, विल दे यील्ड एनी रिजल्ट? इससे क्या जेन्युइनली चाइना कुछ बड़ा ऑफर करेगा पाकिस्तान को कि अचानक से 10 बिलियन डॉलर का एडिशनल लोन या फिर एक मैसिव डेट रोल ओवर कि कई सालों तक हम आपसे इंटरेस्ट वसूलेंगे नहीं? नहीं तो पाकिस्तान जियो पॉलिटिकली बस अपना स्टैचर और गिरा रहा है ये कमिटमेंट करके। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि एंथनी अल्बनीसी ये रिसेंटली किस कंट्री के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द कंट्री। स्टेटमेंट तो ऐसे दी गई है जैसे वो नाटो वालों में होता है कि एक कंट्री पर अटैक करो तो नाटो की सारी कंट्रीज मिलकर अटैक कर देगी, तो इस तरह की स्टेटमेंट दी गई है कि भैया चाइना पर अटैक करोगे वो हम पे अटैक कर ले। भैया पहले खुद तो देख लो कहाँ स्टैंड करते हो, तुम अपने आप को तो बचा लो, जो खुद खड्डे में गिरा हो दूसरे को खड्डे में गिरने से कैसे बचाएगा। तो बहुत ही मजाकिया स्टेटमेंट।
तो इसको ना सीरियस लेने से ज़्यादा तो इसका मजाक बनाना चाहिए, रोस्ट बनना चाहिए। हो सकता है, मुझे लगता है ट्यूबर भाई को रिक्वेस्ट करो, रोस्ट बनता है इस स्टेटमेंट पे। भैया रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब, तो रोस्ट बनाइए उसके ऊपर, मजा आएगा हमें भी देखने में। ये थी आखिरी मिक्सनेस वैष्णव को मिक्स रेशन देखने में मजा आया। तो वीडियो लाइक चुके ना, चैनल को सब्सक्राइब चुके ना, मिलता है दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।